कच्चा चिट्ठा में आज बात 440 वोल्ट के झटके की, जो नेटो को बहुत जोर से लगा। दरअसल पुतिन ने नेटो के बहुत ही खतरनाक टैंक को मारकर लटका दिया। ये टैंक जेलेंस्की को बहुत उम्मीदों के साथ दिया गया था, लेकिन अब बाइडेन के कैंप में मातम छा गया है, जबकि पुतिन ने उस टैंक का वीडियो वायरल करके पूरी दुनिया को बता दिया कि जो रूस से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब जेलेंस्की को लग रहा है कि अगली बारी उनकी है और उन्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा। एक कार वॉर जोन में बड़ी चली जा रही है। विंडस्क्रीन यानी आगे के शीशे पर गोलियों के निशान हैं। आसपास तबाह हो चुकी बख्तरबंद गाड़ियां और बैटल टैंक देखे जा सकते हैं। ड्राइवर नीचे झुककर वीडियो बना रहा है क्योंकि गोलियों की बौछार जारी है। कह सकते हैं कि ये मौत की घाटी में टहलने जैसा है। अचानक एक ऐसा टैंक नजर आता है जिसे देखकर इस कार का ड्राइवर चौंक जाता है। सवाल है कि ये वीडियो कहां का है, तो जवाब है कि ज़ापोरिज़िया के रोबोटाइन का वीडियो है और यहाँ काउंटर अटैक के दौरान एक ऐसा वीडियो शूट किया गया है जिसे देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी फोर्स कांपने लगी है और ये सब देखकर व्लादिमीर पुतिन ठहाका लगाकर हंस रहे हैं। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। ये कार के अंदर से बनाया गया वीडियो है। कैमरा वॉर जोन की तरफ है और यहां नजर आता है एक जलता हुआ टैंक। ये टैंक कौन सा है, इसे पहचानने की कोशिश कीजिए। ये कौन सा टैंक है जिसे लेकर पूरा नेटो कैंप सन्नाटे में चला गया है, तो जवाब है चैलेंजर टैंक यूक्रेन में मारा जा चुका है। ये चैलेंजर टैंक की जलती हुई लाश है। ये चकनाचूर हो चुका ब्रिटेन का गुरूर है जो यूक्रेन के युद्ध में फंसकर जान गंवा बैठा। रूस ने पहली बार वो फुटेज जारी की है जिसमें ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक चल रहा है। ये चैलेंजर 2 टैंक है जो यूक्रेन को बहुत अरमान के साथ दिया गया था। सोचा था रूस की फौज को रौन डाले गए टैंक, लेकिन अब इसकी लाश ने बहुत सी गलतफहमियों से पर्दा हटा दिया है। अब तक ज़ेलेंस्की कहते आए हैं कि एक भी चैलेंजर टैंक नहीं मारा गया, लेकिन वीडियो वायरल करके पुतिन ने बता दिया है कि चैलेंजर का चैलेंज खत्म कर दिया गया है, ब्रिटेन का टैंक मारा जा चुका है। चैलेंजर टैंक की लाश का वीडियो जारी होने के बाद पूरा ब्रिटेन सहमा हुआ है। लंदन की खामोशी बता रही है कि पूरा ब्रिटेन इस खबर पर मातम मना रहा है। चैलेंजर टैंक की लाश का वीडियो जारी होने के बाद पूरा अमेरिका डरा हुआ है। न्यूयॉर्क की बेचैनी इस सन्नाटे से साफ नजर आ रही है, क्योंकि अब अमेरिका अपना अब्राम्स टैंक भी यूक्रेन को देने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन ने अमेरिका के एब्रम्स टैंक की भी लाश बाइडेन को फ्री डिलीवरी के तौर पर भेजने का इंतजाम कर लिया है। रूस ने एक तरह से ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक को पूरी तरह फेल कर दिया है। नेटो के टैंक फोड़े जा रहे हैं। पुतिन ने इन पश्चिमी हथियारों के साथ बहुत बेरहमी दिखाई है। हालात ये हैं कि ज़ेलेंस्की अब यूरोप और अमेरिका को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। नेटो के टैंक को तबाह करके पुतिन ने बता दिया है कि चाहे लेपर्ड हो या फिर चैलेंजर, रूस के सामने दुश्मन की कोई भी वॉर मशीन टिकने वाली नहीं है। और अब ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक पूरी तरह फेल करने का सबसे बड़ा सबूत पुतिन ने दिखा दिया है, चैलेंजर। इससे पहले जून के महीने से चैलेंजर टैंक का वीडियो जब ज़ेलेंस्की ने वायरल किया था, तब बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता बड़े चले आ रहे इस चैलेंजर टैंक को ज़ेलेंस्की का एक और
फौलादी हथियार कहा गया। ये यूक्रेन के युद्ध में शामिल हुए चैलेंजर टैंक की पहली तस्वीरें हैं। जून के महीने में पहली बार ब्रिटेन से मिले चैलेंजर टैंक को यूक्रेन के युद्ध में दिखाया गया और अब 4 सितंबर को इसकी लाश पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। यानी पुतिन ने नेटो के टैंक का काम खल्लास कर दिया है। जब चैलेंजर टैंक को युद्ध में भेजा गया तब ये वीडियो देखकर जेलेंस्की बहुत ज्यादा खुश थे। जेलेंस्की को लगा कि उनके हाथ में चैलेंजर नहीं बल्कि गेम चेंजर लग गया है। ब्रिटेन ने चैलेंजर टैंक जेलेंस्की को बहुत उम्मीदों के साथ दिया। ब्रिटेन को उम्मीद थी कि इसी टैंक से यूक्रेन की फौज पुतिन के मोर्चों को रौंद कर रख देगी, लेकिन जिस तरह का युद्ध इस वक्त पुतिन लड़ रहे हैं उसमें दुश्मन की मौत तय मानी जा रही है। पुतिन ने इससे पहले लेपर्ड टैंक का शिकार किया और फिर ये वीडियो पूरे यूरोप में वायरल करवा दिया ताकि नेटो इस वीडियो को गौर से देख ले और इस बात को गांठ बांध कर रख ले कि पुतिन की फोर्स के आगे नेटो का हर हथियार फेल होगा, बुरी तरह मारा जाएगा। पुतिन ने इसका ऐलान एक बड़े मंच पर किया जहां से पूरी दुनिया ने समझा कि पुतिन कैसे यूक्रेन में नेटो के हथियारों को एक के बाद एक खत्म करते जा रहे हैं। पुतिन का दावा है कि नेटो ने यूक्रेन को जितने भी टैंक और बख्तरमंद गाड़ियां दी हैं, उसमें 30% खत्म हो चुकी हैं। Сегодня я уже говорил о том, что там на одном участке предпринимаются попытки атак силами двух рот при поддержке 5 танков, на другом участке тоже 1,5 роты примерно при поддержке 2 танков. Танки горят, несколько танков уничтожено. И это в том числе леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Также будут гореть и F-16. Путин कह रहे हैं कि नेटो का हर हथियार तबाह किया जाएगा और अगला नंबर F-16 का होगा। फिलहाल यूक्रेन का रोबोटाइन इलाका बहुत बड़ा मोर्चा बना हुआ है। ज़ापोरिज़्या के पास इस जगह पर यूक्रेन फिर से कब्जा करने का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरा सच ये है कि यहाँ पर उस टैंक की लाश बरामद हुई है जिसे पुतिन ने चुन चुन कर मारने का ऐलान किया है। अब हालात ये हैं कि जेलेंस्की से चैलेंजर और बाकी बचे लेपर्ड टैंक को छुपाने का फैसला किया गया है। रोबोटाइन के पास इस चैलेंजर टैंक को यूक्रेन की फोर्स ने छुपा कर रखा हुआ है ताकि रूस की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाली फोर्स इसे ढूंढ भी नहीं पाए। दूर से देखकर लगेगा नहीं कि यहाँ टैंक छुपा हुआ है, और अगर है भी तो ये ब्रिटेन से मिला चैलेंजर 2 टैंक है। ये जेलेंस्की की होशियारी से ज्यादा पुतिन को लेकर खौफ है, क्योंकि अगर पुतिन को ये टैंक दिख गया तो उसका ये हाल होगा। जब एंटी टैंक मिसाइल टैंक से टकराती है तो उसकी ये हालत होती है। अच्छे अच्छे टैंक ऐसी मिसाइलों से नहीं बच पाते और पुतिन ने तो ठान लिया है कि चाहे लेपर्ड हो या चैलेंजर टैंक, उनको जलाकर पिघला देना है। ऐसी ही तस्वीरों को देखने के बाद जेलेंस्की का जोश चैलेंजर टैंक को लेकर पूरी तरह ढह चुका है। देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत सी बातें सामने आई हैं। बेचैनी जेलेंस्की और पुतिन दोनों कैंप में है, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। इन सब के बीच में चैलेंजर टैंक और लेपर्ड के शिकार की तस्वीरों ने बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं कि पैनिक कहां ज्यादा है, सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि युद्ध कौन जीत रहा है। चैलेंजर टैंक जब यूक्रेन आया तो मार्च 2023 में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने ये वीडियो बनवाया था। यूक्रेन के तत्कालीन रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेस्किनोफ ने खुद ब्रिटेन से मिला चैलेंजर टैंक चलाकर देखा। ये टैंक मिलने के बाद से ही यूक्रेन की फौज बहुत जोश में रही। चैलेंजर टैंक चलाने के दौरान ओलेक्सी रेस्किनोफ ने क्या कहा था वो बहुत गौर से देखिए। Marvelous. When Secretary of Defense of the United Kingdom. It's a very good stuff. Thank you very much from Ukraine to the United Kingdom. अब सच ये है कि ना तो बेन वॉलिस ब्रिटेन के रक्षा मंत्री रहे
ओलेस्की रेजनिकॉव को भी जेलेंस्की ने बर्खास्त कर दिया है और जेलेंस्की के सामने ये जलता हुआ चैलेंजर टैंक है और सामने बुरी तरह शर्मिंदा ऋषि सुनक और जो बाइडन है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंजर 2 बहुत ही शानदार टैंक है। रूस के T-90 जैसे खतरनाक टैंक का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन ने ऐसे 14 टैंक यूक्रेन को फौरन सप्लाई कर दिए थे और अब ये लेपर्ड टैंक के साथ रूस से लड़ रहा है। ब्रिटेन के चैलेंजर की गन 120 मिलीमीटर की है और जर्मनी के लेपर्ड की गन भी इसी साइज की है। ब्रिटेन का चैलेंजर का वजन 65 टन, वहीं लेपर्ड का वजन 70 टन है। चैलेंजर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है जबकि लेपर्ड की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों टैंक ही नेटो के बहुत खतरनाक हथियार माने जाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ पुतिन की तैयारी तो और ज्यादा जालिम निकली है। अब चाहे इंसान हो या मशीन, पुतिन अपने दुश्मन को सिर्फ एक नजर से देख रहे हैं। उनका पूरा फोकस ज़ापोरिज़्या पर है। колоссальные потери уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли. Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает. पुतिन अपने रक्षा मंत्री सरगई शोइगु को टैंक बनाने वाली एक फैक्ट्री भी भेज चुके हैं ताकि उत्पादन का जायजा लिया जाए और पता चल जाए कि रूस के कितने नए टैंक जल्दी ही फ्रंट पर भेजे जा सकते हैं। ये फैक्ट्री रूस के ओम्स इलाके में है। यहाँ T-90 टैंक भी बनता है और बख्तरबंद गाड़ियां भी बनती हैं। सरगई शोइगु ने यहाँ एक एक प्रोडक्शन लाइन का हाल जाना ताकि पता चल जाए कि युद्ध वाली डिमांड कब तक और कैसे पूरी हो रही है। शोइगु लगातार रूस की हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं। वो इससे पहले उस कारखाने में भी जा चुके हैं जहां रूस की S-400 एयर डिफेंस मिसाइल का उत्पादन होना है। पुतिन अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहते हैं और यूक्रेन से युद्ध में वो कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा रूस ने दिन दहाड़े चैलेंजर की हत्या करके साबित कर दिया है। कोई शक नहीं कि चैलेंजर टैंक बहुत बुरी मौत मारा गया है और अब यही हाल पुतिन यूक्रेन की उस स्पेशल फोर्स का भी करना चाहते हैं जिसने ज़ापोरिज़्या पर फिर से पूरा कंट्रोल करने की ठान ली है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन